हेलो यूट्यूब फैमिली, आज की इस वीडियो में हम हॉरर मूवीज़ की बात करेंगे। ये सातों मूवीज़ आपको प्राइम वीडियोस पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। कुछ मूवीज़ हिंदी में है, कुछ मूवीज़ इंग्लिश में है, तो आप देख लीजिएगा प्राइम वीडियोस पे आपको कौन सी देखनी है, और ये भी देख लीजिएगा हिंदी में है या फिर इंग्लिश में। मैं जहाँ तक चांस सिर्फ एक ही मूवी हमारे लिस्ट में है जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो मैं हूँ अभिजीत और आप सभी का स्वागत करता हूँ फिल्म के एक और एपिसोड, और वो सारे भी। तो हमारे लिस्ट की जो नंबर 7 पे मूवी आती है डेथ ऑफ मी, ये 2020 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे का। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक कपल होता है जो कि बहुत एक आइलैंड पे घूमने गए हैं। वो एक जगह ड्रिंक करके जब रात को घर लौट के आते हैं, अगले दिन वो देखते हैं कि वो पूरी तरह मट्टी में, कीचड़ में, कीचड़ से लथपथ हैं। मतलब उनके पूरे घर, जो रूम में वो रह रहे हैं, पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है वहाँ पे। उनको कुछ बातें पता चलती हैं उस लास्ट नाइट की जिसने उन्होंने ड्रिंक किया। उन्हें पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है उसे उसके हस्बैंड ने मार के गाड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा है। उसे एक वीडियो फुटेज मिलता है जो कि उसके हस्बैंड पे रिकॉर्डेड रहता है उसी रात का, और उसका हस्बैंड उसे मार के जमीन के अंदर गाड़ देता है, लेकिन तब भी वो जिंदा रहती है उस दिन। अब वो किस तरह जिंदा है, उस आइलैंड की सच्चाई क्या है, और उस आइलैंड पे एक तूफान आने वाला है, उन्हें उस तूफान से भी बचना है और इस बारे में पता भी लगाना है कि ये चीज़ें हुई क्या थी इनके साथ। ये सारी बातों का जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 6 पे जो मूवी आती है दी रिचर्ड, ये 2019 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया जाता है एक टीनेजर लड़का, मतलब 14-15 साल का लड़का है, जो कि अपने मम्मी पापा के डाइवोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे कभी अपने पापा के पास रहना पड़ता है तो कभी अपने मम्मी के पास, और वो उसको बहुत उसको उस रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसे बार अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है, बार अपने दोस्तों को बदलना पड़ता है। अब इस बार ये अपने पिता के पास जब आया है, उसे पता चलता है अपने नेबर्स के बारे में जो कि पोजेस्ट है एक विच के द्वारा, जो कि बहुत एंशिएंट विच है। वो अपने फैमिली प्रॉब्लम तो उसके पास है, या साथ साथ अब उसे एक बगल के घर के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है कि एक विच है जो कि बच्चों को मार रही, और जो वो विच है उसने उनके घर के बगल वाले लोगों को पोजेस्ट करके रखा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा वो परेशान कर रही है। वो विच क्या है, ये लड़का उसे किस तरह खत्म करता है, इन सारी बातों जो आप जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये भी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी लिस्ट की जो नंबर 5 पे मूवी आती है दी बॉय, ये 2015 में आई हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि एक गीता नाम की लड़की होती है जो कि एक घर में एक बच्चे की नैनी, मतलब बेबी सीटर बन के जाती है। वो जिस घर में जा रही है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जब उस घर में उसे पता चलता है वो एक लड़का एक डॉल है, और वो डॉल देखकर थोड़ी अनसेटिस्फाइड हो जाती है, यार एक डॉल का देख रेख करने के लिए मुझे रखा गया है। वो कपल्स वहाँ जब चल जाते हैं, वो डॉल के साथ कुछ मिसबिहेव करती है, और इस मिसबिहेवियर के दौरान उसे पता चलता है इस डॉल में जान है, और वो जिंदा है, वो डॉल चल सकता है, बोल सकता है। इस डॉल की सच्चाई क्या है, ये डॉल हमारी फिल्म की हीरोइन को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, ये जानना है तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हमारी लिस्ट की जो नंबर 4 पे मूवी आती है बर्लिन सिंड्रोम, ये मूवी 2017 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे का। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो कि एक फोटोग्राफर है, वो एक टीचर लड़के से एक नाइट आउट पार्टी में मिलती है, वो उसके साथ उसके घर जाती है। जैसे ही उसके घर जाती है वो उसे अपने बर्लिन वाले अपार्टमेंट में लॉक कर देता है। वो इसे क्यों लॉक करता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, या फिर वो लड़का पोजेस है, इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी शायद हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी लिस्ट की जो नंबर 3 पे मूवी आती है मैरो बोन, ये 2017 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि 4 भाई बहनें होते हैं जिनकी माँ की मृत्यु के बाद वो अपने एंसेस्ट्रल घर में चले जाते हैं। वो वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचते, जब वहाँ वो पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ वहाँ पे रह रही है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। वो चीज़ क्या है, क्या वो इन्हें परेशान करती है, इसका भी जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। नंबर 2 पे जो मूवी आती है ड्रैग मी टू हेल, ये 2009 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया जाता है एक बैंक की मैनेजर लड़की होती है, इस वक्त एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है भाई मेरा लोन का जो टाइम पीरियड है लोन देने का समय उसे बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम वो बोल, लेकिन वो मैनेजर नहीं मानती है। अब वो मैनेजर नहीं मान रहे तो जो बूढ़ी औरत है उस मैनेजर को कर्ज दे देती है। वो ऐसा कर्ज होता है, इस तरह देती है कि उसका जो पूरा लाइफ है नाइट मेयर बन जाता है, उसका सुबह हो या फिर शाम हमेशा हॉन्टेड रहती है कुछ बुरी बुरी चीज़ों से। वो चीज़ें क्या हैं, कर्ज क्या है, इस सारी बातों का जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी लिस्ट की जो नंबर 1 पे मूवी आती है कलर आउट ऑफ द स्पेस, ये मूवी 2021 में एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि गार्डन होता है, लाइक बहुत जगह बड़ा फार्म है, उस पर एक मेट्रोइड गिर जाता है। हाँ, वहाँ मेट्रोइड गिर जाता है, जैसे ही मेट्रोइड गिरता है उस फार्म के अगल बगल के लोग अजीब तरह के हेलुसिनेशन में चल जाते हैं, उन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है। मतलब एक गाँव में रहने वाले इंसान, मतलब जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, नहीं बिजली प्रॉपरली है, वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टाइप का दिखने लगता है, एक अलग तरह की लाइट दिखने लगती है। वो चीज़ क्या है, इसी में से कुछ लोग हैं जो इससे फाइट करे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एडिटर से जो कि लोगों के अंदर घुस के होस्ट
होस्ट बना के उन्हें एक अजीब तरह दुनिया में लेके चले जाते हैं। अब ये उससे लड़ने वो उस एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से वो उसे ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं, आपको अगर ये जानना है तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। बस आज के लिए इतने ही हॉरर मूवीज़ काफ़ी हैं आपको हॉरीफाई करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूनिक तरह के मूवीज़ लेके। अगर इस तरह के मूवीज़ आपको देखने हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए घंटा जरूर जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, घंटा नहीं दबाता और कुछ नए लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। यार कर दो, आपके लिए भी अच्छा होगा मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के बाय। जय हिंद।